पहला प्रश्न है कि होमियोस्टेटिस, साथियों होमियोस्टेटिस प्रक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपसे पूछ देगा कि होमियोस्टेसिस क्या होता है बताइए, तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जांपल के साथ में होमियोस्टेटिस को समझेंगे। परिभाषा पहले देख लीजिए, होमियोस्टेटिस होता क्या है। डियर फ्रेंड, मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। देखिए होता यह है कि होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को ऑफ द बॉडी। मतलब होमियोस्टेसिस जो है वह आपके शरीर के या किसी के शरीर के जो हमारा इंटरनल पार्ट है, इंटरनल जो भी हमारा आंतरिक स्थित अंग है, उसका जो है समान स्थिति में बनाए रखने के ये जो है यह काम होता है, और इसी प्रक्रिया को होमियोस्टेसिस कहते हैं। सीधा समझिए कि मानव के शरीर के आंतरिक मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वह क्या होता है, मेंटेन होना ही जो है क्या कहलाता है, होमियोस्टेसिस कहलाता है। यानी मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखना ही, यानी एक समान अवस्था में बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है एक समान वातावरण को आंतरिक बनाए रखता है। होमियोस्टेसिस प्रक्रियाओं के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न है। अब जो होमियोस्टेसिस प्रोसेस है उसका कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहला उदाहरण है कि जब रक्त में इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। देखिए इसका कहने का मतलब है, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारा शरीर में जो भी आंतरिक वातावरण गड़बड़ाने का जब सिचुएशन होता है तो होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारे अंदर जो है ऐसा चेंज होता है कि वह जो है बॉडी को मेंटेन करके एक साथ ले चलता है। जैसे अगर ब्लड में अंतःस्रावी कोई ग्रंथि है तो उसके द्वारा अगर कोई हार्मोन जो है कम जाता है, हार्मोन स्रावित होने में अगर कम जाता है, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन में अगर कम जाता है तो हम उसको एक समान बनाए रखने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है कि पैंक्रियाज को क्या करता है, उद्दीपित करता है। पैंक्रियाज को कहता है कि ये पैंक्रियाज चलो तुम्हारा अपना अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है इंसुलिन का श्रावण करो। तो मींस इसका मतलब होता है कि पीयूष ग्रंथि क्या करता है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथ होता है, या सभी ग्रंथि को खासकर इंडोक्राइन ग्लैंड को निर्देश देता है कि कब क्या करना है नहीं करना है। जैसे ही अगर बॉडी में किसी हार्मोन को कमी होने लगेगा तो पीयूष ग्रंथि उसको क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब जगाएगा कि चलो चलो उठो 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 तुम सिक्रेशन करो, इस चीज़ का बॉडी में कमी हो रहा है। अब इस चीज़ के जब पूरा हो जाता है तो वह समान अवस्था में बना रहता है हमारा बॉडी। यानी पहला उदाहरण यही है कि कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उससे अगर स्रावित होने वाला हार्मोन में कम और ज़्यादा होता है तो उसको जो है पीयूष ग्रंथि उद्दीपित करता है कि चलो भाई तुम अपने काम करो, यहाँ पे हार्मोन की कमी हो रही है, ठीक है। तो जिससे जो है होता है वह शरीर में समान स्थिति बनकर रहता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है कि जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो इस स्थिति में विपरीत प्रक्रियाएं होती है, जैसे त्वचा की कोशिकाओं का संकुचित हो जाना तथा स्वीट ग्लैंड की सक्रियता कम हो जाना। अगर किसी का बॉडी का तापमान अगर नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो देखते होइएगा कि हमारा बॉडी खुद जो है हीट जनरेट और हीट रोकता है, ठीक है। अगर होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, समान अवस्था बनाए रखना बॉडी में, अगर कुछ भी कम हो जाए शरीर में या कोई भी चीज़ के कम के आभासी हो तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक जो है वैसा काम करने लगता है जो चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बर्दाश्त होता है तब जाके हमें पता चलता है, तब जाके हम बाहर से कुछ काम करते हैं ताकि हमारा शरीर जो है आंतरिक वातावरण समान बना रहे। जैसे टेम्परेचर अगर गिरने लगता है तो व्यक्ति को क्या होता है, शरीर का तापमान गिरने से भी क्षति होता है। तो ये कब होता है, तो जब हमारा बॉडी इस चीज़ को पहचान लेता है कि तापमान कम हो जा गया है तो वह कोशिका जो होता है उसको क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है, संकुचित कर लेता है, जिससे और ज़्यादा टेम्परेचर का रिलीज ना हो, ठीक है।
उसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा परसेना जा रहा हो और उसी में अगर टेम्परेचर कम रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होता है ऑटोमेटिक से स्वीट ग्लैंड को जो एक्टिविटी है इसको कम कर देता है। अब जैसे ही स्वेट ग्लैंड को एक्टिविटी को कम करेगा पसीना कम निकलेगा जिससे तापमान जो पहले रिलीज हो गया है और ज़्यादा तापमान रिलीज न हो ऐसा मेरा और आपका बॉडी ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देता है। तो यही जो है होमियोस्टेसिस का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा है, देखिए बॉडी और क्या करता है यहाँ पे देख लीजिए। जब शरीर का तापमान सामान से अधिक हो जाता है तो त्वचा में मौजूद कोशिकाएं डिलाइट हो जाती है और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर में ताप हानि प्रारंभ हो जाता है। ऊपर तो पढ़े हैं कि अगर ताप के लॉस हो जाएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है कि अगर इसी प्रकार से शरीर का तापमान अगर बढ़ जाए अधिक हो जाए तो हमारा शरीर भी जो है क्या करता है, अगर तापमान हमारा बॉडी का बढ़ गया है तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट सही बना रहे, पर्यावरण एक स्थिर में रहे, इसके लिए हमारा शरीर भी काम करता है। क्या काम करता है कि जो कोशिका होता है स्किन का त्वचा का वह डिलेट हो जाता है, मतलब विस्तारित हो जाता है, फैल जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तापमान का जो है रिलीजिंग होने लगे जिससे तापमान जो है सामान हो सके। अगर ये काम हमारा बॉडी नहीं कर पाता है फिर जाके बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो हम स्पॉन्जिंग वगैरह करके होमियोस्टेसिस करते हैं, सामान अवस्था में लाते हैं। ठीक है, चलिए अब है इसके साथ ही इस स्थिति में पसीने की ग्रंथियां सक्रिय होकर अधिक पसीने का सिक्रेशन करती है, यह पसीना शरीर में वाष्पीकृत होता रहता है, इस प्रकार भी तापहीन होती है। अगर और ज़्यादा ताप लाना हो निकालना हो शरीर से तो हमारा जो बॉडी है बॉडी से स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है पसीने का सिक्रेशन करता है जिससे हमारे शरीर से वाष्पीकरण होकर तापमान कम होता है, तापमान का हानि हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीन उदाहरण दे दिया कि एक तापमान बढ़ेगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा, एक तापमान अगर कमता है तो क्या काम करेगा, और एक तापमान बढ़ता है तो क्या करेगा, और एक था कि अगर कोई अंतःस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि से कोई हार्मोन के सिक्रेशन में कमी होने लगता है तो कैसे जो है मास्टर ग्लैंडी के रूप में प्यूट्रिट ग्लैंड जो है निर्देश करता है, उद्दीपित करता है कि चलो भाई तुम अपने काम पर लग जाओ। तो ये सब के सब एक उदाहरण है होमियोस्टेसिस का, मीन्स शरीर के समान अवस्था को बनाए रखने का। ठीक है, चलिए तो आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर आपसे 5 नंबर में होमियोस्टेसिस पूछेगा तो उदाहरण सहित लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आराम से आप लोग इंग्लिश में इसको छाप सकते हैं, कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश सब में लेकर इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि द्रव एवं वैद्युत संतुलन क्या है, शरीर की द्रव वितरण एवं नियंत्रण प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, फ्लूड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एक पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। तो असंतुलन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग देख रहे हैं कि द्रव एवं वैद्युत संतुलन, संतुलन के बारे में देख रहे हैं, बैलेंस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। मानव शरीर में मुख्य तरल पदार्थ जल होता है। देखिए आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए, हमारे शरीर में तरल जो होता है आप लोग को पता है हमारे शरीर में लगभग जो है 65-70% जो वजन होता है वह तरल का होता है। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा जो है जल ही रहता है। जैसे रक्त के बात करते हैं तो रक्त में जो है आप लोग को पता है कि रक्त में 55 और 45 का भाज रहता है, 55 में प्लाज्मा रहता है और इसमें कार्पसल्स रहते हैं, रुधिराणु रहते हैं। इस 55 में 90% जल होते हैं और 10% ही आपके प्लाज्मा रहते हैं जो कि पीला वाला पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि जल का मात्रा कितना है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा वगैरह होता है ये सब के सब हमारे शरीर में तरल के रूप में रहता है। मानव शरीर में मुख्य तरल पदार्थ जल होता है। वैसे तो शरीर में तरल पदार्थ के रूप में रक्त भी है, लसीका भी है, इत्यादि प्रवाह जो है होता रहता है, परंतु शरीर का लगभग 60-70% भाग जल का है। मैंने पहले बताया
कि शरीर में तो बहुत सारे तरल है जो आपको प्रवाहित होता है, जैसे ब्लड हो गया, लसीका हो गया, ये सब के सब जो है तरल होते हैं, लेकिन इसमें 60-70% संपूर्ण शरीर के भाग का 60-70% तरल ही जो है जल के रूप में रहता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रोलाइट तात्पर्य है उन खनिज लवणों से जो शरीर में किसी आवेश या आयन के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक अच्छे स्वास्थ्य एवं शरीर के सभी तंत्रों को समान कार्य करने के लिए व्यक्ति के शरीर में द्रव एवं वैद्युत का होना आवश्यक है। ओके, यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि इनकी मात्रा भी एक नियत और सीमित अनुपात में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में जो है शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के विभिन्न तंत्रों को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो जैसे सोडियम क्लोराइड ठीक है ना, ये सब के सब जो है पोटेशियम, ये सब के सब हमारे शरीर में आयन वाला है, आयन उत्पन्न करता है और यह जो है आवेश या आयन उत्पन्न करने वाला होता है, आयन के रूप में काम करता है, तो यह सब के सब इलेक्ट्रोलाइट में वैद्युतांक में आता है। ठीक है, और यही जो है हमारा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट एक अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है और शरीर के अन्य तंत्रों को, अन्य अंगों को जो है बहुत ही अच्छा से काम करने में मदद करता है और आवश्यक होता है। ठीक है, यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और साथ में फ्लूड दोनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं बहुत ज़रूरी है कि इसका नियत मतलब एग्जैक्ट और लिमिट में यह अनुपात होनी चाहिए। बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है और घटने से भी, अगर आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम का मात्रा भी बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होगा, अगर घट जाता है तो फिर भी प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसकी मात्रा निश्चित और नियमित और सीमित होना बहुत जरूरी होता है। तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड होता है। ठीक है, अब शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तरल पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूड, शरीर के तरल का कैसे वितरण होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो वितरण होता है शरीर में द्रव के वितरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, मतलब दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है इंट्रासेलुलर फ्लूड, पहला जो है वह इंट्रासेलुलर फ्लूड होता है, अंतःकोशिकीय द्रव। अंतःकोशिकीय द्रव का मतलब होता है जो कोशिका के अंदर मौजूद होने वाला द्रव होता है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि एक कोशिका है हमारा, एक कोशिका है तो इसके अंदर जो है तरल भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर तरल भरा होता है, क्योंकि तरल नहीं रहेगा तो कोशिका नष्ट ही हो जाएगा, तरल इसमें भरा है और ये कोशिका के तरल पर जो अंग जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तैरता रहता है तो इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अंतःकोशिकीय द्रव इंट्रासेलुलर फ्लूड जो है पहला है, यह शरीर के कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला द्रव अंतःकोशिकीय द्रव कहलाता है, यह द्रव कुल द्रव का लगभग 60-70% होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर बॉडी में 70% पूरा अगर द्रव है तो इसमें से इस 70% का 60 से या 70, सीधा मानिए जैसे 70% का मतलब हुआ 70, ठीक है 70, 100 का मतलब 100, 100% का मतलब 100 पूरा पूरी, तो 70 का मतलब 70, अगर 70 यूनिट द्रव है तो इसका 60% क्या होगा, इसका 60% इसका अगर टोटल मान गए हम लोग मानते हैं कि शरीर में हमारा 60-70% तरल होते हैं, इस तरल में भी दो प्रकार के विभाजन किया गया है, तो इस 60-70% तरल में जो फिर से 60-70% होगा वह जो है इंट्रासेलुलर होगा, कोशिका के अंदर वाला फ्लूड होगा, और कोई भी चीज़ 100% होता है तो इसमें से बाकी के रह गया 30%, तो जो 30-33% होता है वह कोशिका के बाहर भरा होता है द्रव। ठीक है, यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाता है। ठीक है,
देख ली एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसका मतलब होता है कि कोशिका के बाहर भरे द्रव। शरीर कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाला द्रव बाह्य कोशिका द्रव कहलाता है। यह कुल द्रव का लगभग 30 से 33% तक होता है। इस द्रव को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए जो कोशिका द्रव होता है वह सबसे ज़्यादा होता है 60 से 70% संपूर्ण द्रव का। अगर बॉडी में जितना भी द्रव है उस संपूर्ण द्रव का 60 से 70% सभी कोशिकाओं में भरा होता है, ठीक है। बाकी के जो 30 से 33% होता है वह कोशिका के बाहर होता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। जो 30 से 33% होता है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है इसको जो है आपको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया। कौन कौन भाग? पहला है इंटरस्टेटियल फ्लूड और एक है इंट्रावैस्कुलर फ्लूड। पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंटरस्टिशियल फ्लूड और इंट्रावैस्कुलर फ्लूड, दोनों याद रखिएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूड और इंट्रावैस्कुलर फ्लूड दोनों याद रखिएगा तो आसान रहेगा समझने में। यह हम लोग सब क्या पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लूड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड मतलब कोशिका के बाहर का तरल। यह 30 से 33% वाला जो है दो भागों में फिर से विभाजित है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूड और एक इंटरवैस्कुलर फ्लूड। इंटरस्टिशियल फ्लूड जो है यह द्रव अंतरालीय स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है तथा कुल द्रव का 25% होता है। मीन्स हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में 30 से 33% क्या देखे हैं कि टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है, ठीक है। अब इस 30 से 33% में भी 25% जो है क्या होता है, वह 25% आपके जो है वह इंटरस्टिशियल फ्लूड होता है जो है कहाँ होता है, अंतरालीय स्थान मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, ठीक है, जो 25% होता है, समझ गए। अब यहाँ पे दूसरा जो है वह है इंट्रावैस्कुलर फ्लूड। इंट्रावैस्कुलर फ्लूड का मतलब होता है कि यह द्रव वाहिनियों में पाया जाता है तथा कुल द्रव का लगभग जो है 7 से 8% होता है। इसका उदाहरण है रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा, ठीक है। तो आप लोग समझ, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, इसके वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को समझाए। तो फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट समझ गया क्या होता है, कितना हमारे शरीर में जल है क्या है। तो इसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है डिस्ट्रीब्यूशन को। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो शरीर के कोशिका के अंदर में होता है तरल, तो उसे हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं, नो डाउट। और यह फ्लूड जो है संपूर्ण फ्लूड का 60 से 70% भाग जो है सीधा के सीधा कोशिका में मौजूद होता है, तो उसका तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है। अब रह गई बात बाकी के जो 30 से 33% फ्लूड जो बचते हैं वह जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है, यानी कोशिका के बाहर स्थित फ्लूड होता है, समझ गए। अब इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया, एक भाग है इंटरस्टिशियल फ्लूड और एक भाग है हमारा इंटरवैस्कुलर फ्लूड। मतलब कि इंटरवैस्कुलर का मतलब है कि जो वाहिका के अंदर होता है और यह कुल 7 से 8% भाग में होता है, और जो ऊपर वाला है इंटरस्टिशियल फ्लूड यह 30 से 33% वाले का 25% भाग जो है इंटरस्टिशियल फ्लूड हो जाता है, जो गैप सब में रिक्त स्थान में पाया जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कितना बार बता दिया, आप नहीं समझे तो आप जानिए, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है आज का और बहुत VVI ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कर लीजिए 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए बहुत VVI प्रश्न है कि निर्जलीकरण क्या है, इसके प्रकार कारण लक्षण और प्रबंध को बताएं निर्जलीकरण के, ठीक है। मेरे डियर फ्रेंड, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जो होता है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो निर्जलीकरण के मतलब क्या होता है कि शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। जिसमें शरीर में तरल पदार्थ का आयतन जो है घट जाता है और व्यक्ति को निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ गए निर्जलीकरण के मतलब क्या होता है। निर्जलीकरण मतलब जल का नहीं होना, शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल या जल का निष्कासन होना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, शरीर में तरल पदार्थ का आयतन इससे घट जाता है। जैसे समझिए 4 किलो का बाल्टीन है, 4 लीटर का कोई बाल्टीन है, उसमें 4 लीटर पानी रखा है। अगर उसमें हम जो है कोई छिद्र कर दे, उसमें होल कर दे बाल्टीन में, और उससे 1 लीटर पानी उसमें से छिद्र के द्वारा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उसका आयतन तो घट जाएगा। पहले जो 4 लीटर वॉल्यूम का आयतन था वह तो अब 3 लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम जाएगा। तो ही कहता है निर्जलीकरण अगर तब होता है जब शरीर से बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ या जल निकल जाए, निष्कासन हो जाए, तो निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ का आयतन घट जाता है। ये चीज़ इतना समझ गए, इंग्लिश में आपके यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब हमसे यहाँ पे पूछता है कि निर्जलीकरण के प्रकार क्या है। मेरे डियर साथी, निर्जलीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जो डिहाइड्रेशन होता है, अच्छे से समझिएगा, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। बस यही 3 प्रकार पर दिमाग आपको लगाना है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि हाइपर, मैं आपको पहले बता दिया कि हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक या ज़्यादा। ठीक है, अत्यधिक या ज़्यादा। हाइपो का क्या मतलब होता है, तो हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके नाम को याद रखिएगा। तो एक है आपका हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, और एक है आपका हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, और एक है आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, जिसका आइसो का मतलब होता है समान। तो अब ये तीनों नाम याद रहेगा तो समझना कैसे है देख लीजिए। चूँकि हम लोग ऊपर यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे डिफिनीशन में पढ़े हैं निर्जलीकरण का, कि शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। मीन्स शरीर से बहुत ज़्यादा जो है जल का निकासी हो जाना ही जो है निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, किसका निष्कासन हो रहा है, जल का। अब जल का ही आप लोग बेस मान के इस तीनों के टाइप्स को आसान से बना देंगे। ठीक है, कैसे, पहला पॉइंट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि ज़्यादा, तो हम लोग का क्या हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तो जल का निष्कासन होगा हाइपरटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कम होगा और वाटर जो है ज़्यादा जो है निष्कासन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटोनिक निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में शरीर से जल का निष्कासन बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हाइपरटोनिक कहते हैं, क्योंकि जल का ही निकासी हो रहा है। ऊपर भी डिहाइड्रेशन में देखें कि जल का निकासी होना ही बहुत अत्यधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कहलाता है। तो हाइपर है, हाइपर के मतलब अधिक, तो किसका अधिक, जल का अधिक बहाव, जल का अधिक निष्कासन, हाइपरटोनिक। ओके, और जब जल अधिक होगा तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ काम करता है बॉडी में, तो जैसे ही वाटर अगर अत्यधिक होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का हानि कम होगा हाइपरटोनिक में। चीज़ों को समझ गए, चलिए अब दूसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इसे हम लोग हाइपोवोल्मिया भी कहते हैं। हाइपोवोल्मिया का मतलब होता है कि तरल पदार्थों के आयतन में कमी आ जाना, और तरल पदार्थ के आयतन में कमी आ जाता है तो उसे हाइपोवोल्मिक शॉक भी लग जाता है पेशेंट के, यानी तरल के कमी होने से शॉक जो लगता है उसे हाइपोवोल्मिक शॉक कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का समान लेवल में जो है क्या होता है, हानि होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का निष्कासन भी और वाटर जल का भी निष्कासन दोनों का समान अगर मात्रा में होता है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, समांगी निर्जलीकरण। ओके, अब यहाँ पे है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब समझिएगा, बहुत आसान है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, मैं पहले ही बताया कि हाइपो का मतलब होता है क्या चीज़, कम, कमना। तो इसमें कमेगा क्या,
तो चूंकि हम जल को बेस मान रहे हैं तो हाइपोटोनिक में जल का जो सिक्रेशन होगा वह कम जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। मींस हाइपोटोनिक में जल का निष्कासन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा जबकि जल कम होगा, और जल कम होगा इसीलिए इसका नाम हाइपोटोनिक दिया गया, यानी हाइपोटोनिक। चीज़ों को समझ गए, चलिए तीनों प्रकार अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब हम लोग इसके कारण देखते हैं कि आखिर कौन कौन कारण होते हैं डिहाइड्रेशन होने का। तो हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, यहीं पे देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दस्त हुआ हो, उल्टी हुआ हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता हो, तरल पदार्थों का ग्रहण कम करते हैं, ट्रॉमा चोट के कारण, ओके, अत्यधिक हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना, अति सूत्रता मतलब अति मूत्रता होता है, सूत्रता नहीं अति मूत्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मूत्र होना, उष्मा का आघात होना मतलब उष्मा जो है शरीर पर बहुत ज़्यादा अटैक करना, नौमा है जलना और बुखार होना, डायबिटीज इंसिपिडेंस, लंबे समय तक कोई बीमारी होना, डायबिटिक थेरेपी, ये सब जो है कहीं ना कहीं शरीर से जल का नाश करता है, जल का हानि होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर यूरिन होगा, मूत्र होगा तो वह भी शरीर का प्रॉब्लम करेगा, तरल कमेगा, बहुत ज़्यादा पसीना निकलना भी, बहुत बुखार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है तो बुखार भी एक कारण बनेगा। मतलब वो सारे कारण बनेगा जिससे शरीर में तरल यानी जल का कमी हो सकता है, तो उसको हम लोग कारण में लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग लक्षण देखेंगे कि किसी में अगर डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण यानी जल का कमी होता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो लक्षण देखिएगा, मुंह सूखना, बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगता है, गहरा पीला पेशाब होने लगता है, अगर शरीर में तरल कम जाता है तो पेशाब कम आएगा, दौरे पड़ना, कमजोरी लगना, ये सब जो है नॉर्मल होने लगता है, तेज सांस जो है चलना, आलसपन आने लगता है, बेचैनी होने लगता है, और ये सब जो है कारण बनता है। रक्तचाप घट जाएगा, कब्ज रहने लगेगा, धंसी हुई आँख धंस जाएगा, समझ गए, और शुष्क त्वचा पड़ जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा। मीन्स अगर आपके शरीर में तरल पदार्थ का कमी हो जाएगा, जल के कमी हो जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें लक्षण में दिख सकता है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, खुद से लिख सकते हैं। सही बातें हैं, शरीर में अगर तरल नहीं रहेगा तो आपका शरीर आँखें धंस जाएगा, शरीर दुबला हो जाएगा, ठीक है, बीमारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या होने लगेगा, तमाम तमाम के चीज़ें जो है, मुंह सूखने लगेगा, त्वचा झुर्रीदार हो जाएगा, कब्ज रहने लगेगा, रक्तचाप घट जाएगा, बेचैनी होने लगेगा, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या होता है आप लोगों को, ये सब कहीं ना कहीं जो है बॉडी में क्या करता है कि कमी होने से लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब एक नर्स के रूप में नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, अगर हम लोग जानेंगे कि कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा शरीर से तरल पदार्थ कम रहा है, तरल इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड का कमी हो रहा है, तो उसको हम कैसे देखभाल प्रबंध करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है, सर्वप्रथम ORS पीने की सलाह देंगे, मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी लेने के लिए उत्साहित करेंगे, मरीज को आवश्यकता का तुरंत जो है IV फ्लूड से शुरू करेंगे, अत्यधिक सेवर अगर रक्त स्राव होता है तो इन्फ्यूजन मशीन के द्वारा जो है प्रयोग करना चाहिए, मरीज को DNS RL एकांतर क्रम में दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 16, 6 नंबर का है कि मरीज का इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करनी चाहिए, 7 है मरीज का वजन नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, मरीज का वाइटल साइन भी नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। 9 है मरीज को शांत एवं आरामदायक पोषण जो है वातावरण देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि 10 नंबर है कि मरीज को साफ सुथरा रखनी चाहिए, उसके बाद है मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए, एंड यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला है 12 नंबर का कि उल्टी रोकथाम हेतु आदेशानुसार एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है कि इसके अच्छे से पढ़ना, ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।